नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवू। गेट पे आपके यूट्यूब चैनल से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक वर्डप्रेस प्लगइन जो कि है रेस्पॉन्सिव स्टार्टर टेम्पलेट्स, उसको रिव्यू करने वाले हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्लगइन है, तो देखते हैं ये प्लगइन कैसा कैसा आप इसको यूज़ कर सकती है। और इस प्लगइन का बेस पार्ट ये है कि ये एक क्लिक में आपका वेबसाइट क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस जो है यहाँ पे हमने ओपन करके रख दिया, देख सकते हो। यहाँ पे इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए हमें डैशबोर्ड में जो प्लगइन सेक्शन है इस पे जाना है, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद हमें ऐड न्यू करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है रेस्पॉन्सिव स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। तो ये है रेस्पॉन्सिव स्टार्टर टेम्पलेट, एकदम फर्स्ट में आ जाता है साइबर थीम्स की ओर से, ठीक है। तो इसको हम जो है यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करेंगे। चलो कर लेते हैं इंस्टॉल नाउ। और इस प्लगइन का बेस पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको पहले से बनाया बनाया हुआ टेम्पलेट मिल जाता है वेबसाइट का, एंड ये डाउनलोड हो चुका है, इसका एक्टिव कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों रेस्पॉन्सिव स्टार्टर टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। जैसे इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में ही इसका आइकॉन भी देखने को मिलता है, रेस्पॉन्सिव आइकॉन ये देखने को मिल रहा है जो कि इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिव करने का बोल रहा है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं एक्टिव रेस्पॉन्सिव थीम के साथ। तो ये जो रेस्पॉन्सिव टाटा टेम्पलेट है वो रेस्पॉन्सिव थीम के साथ चलता है, तो इसको भी साथ में हमने इंस्टॉल एंड एक्टिव कर दिया है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से जाकर कस्टमाइज वगैरह कर लेंगे और देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेस्पॉन्सिव में चले जाते हैं, ठीक है। तो वेलकम टू रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट, यहाँ पे दिखा रहा है गेटिंग स्टार्टअप। यहाँ पे आपका ट्यूटोरियल वगैरह भी देखने को मिल रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसका जो प्रो वर्जन है वो बाय कर सकते हैं, बट आपको अगर ये टेस्ट करना है तो आप फ्री में भी इसको बहुत सारे टेम्पलेट वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पसंद आता है तो आप प्रो वाला भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट में चला जाता है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे ये लोड हो चुका है, ठीक है। रेस्पॉन्सिव के अंदर रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट में आना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पलेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे हम फ्री में देख लेते हैं कि फ्री में क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे रूबी और ये एलिमेंटोर के साथ आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें कौन सा पसंद आता है। तो मैं ये इंटीरियर डिजाइन वाला देखना चाहूँगा, तो देख लेते हैं अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर हैं एंड ऑल, तो प्रीव्यू में देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा ये देखने को मिल रहा है, और ये फ्री में अवेलेबल है। तो यहाँ पे इंपोर्ट टेम्पलेट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है कि मुझे क्या क्या इंपोर्ट करना है। मैं चाहूँ तो यू नो पूरा होम पेज ले सकते हो, या फिर आउट पेज, या फिर कॉन्टैक्ट, या फिर ब्लॉग। तो मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगा कि कौन सा मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे होम वाला इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये दिख रहा है, ठीक है, इंपोर्ट टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक कोई भी पेज ले सकता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे होम पेज पसंद आया, मैं होम पेज लूँगा। मुझे कॉन्टैक्ट पेज पसंद आया, कॉन्टैक्ट लूँगा। मुझे अबाउट पेज पसंद नहीं आया, मैं दूसरे पेज का लूँगा, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि मैं कौन कौन सा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेबसाइट है वो लोड हो चुका है होम पेज के साथ, जो थीम मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। देख सकते हो ऐसा है। अभी मुझे इसको एडिट करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा तो चाहिए नहीं, मुझे ऐसा थीम चाहिए, बट ये नेम वेम तो मुझे ऐसा चाहिए नहीं ना। तो एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे, ऊपर देखिए। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो वेबसाइट का जो होम पेज है उसको मैं एडिट कर दूंगा अपने हिसाब से। देख सकते हो यहाँ पे मुझे कुछ और नाम रखना है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो मैं इस हिसाब से नाम लगता है, जो भी टेक्स्ट मुझे चेंज करना है मैं यहाँ पे क्लिक कर करके चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी कोडिंग वोडिंग नहीं चाहिए, ठीक है। बस एक क्लिक करो और जो भी लिखना है वो लिख दो। यहाँ पे जो भी इमेज है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ चेंजेबल है, देखो हर एक चीज़ चेंजेबल है। यहाँ पे जो भी टाइपोग्राफी है, इमेज है, बटन्स है, जो भी मुझे चेंज करना है हर एक चीज़ मैं कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसका यू नो पेज का लोगो वगैरह चेंज करना है, तो मैं यहाँ से लोगो वगैरह चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसका जो साइड आइडेंटिटी के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे
मैं अगर चाहूँ तो वेबसाइट का नाम भी चेंज सकता हूँ ऑब्वियसली, बट ये सब मैं चेंज कर सकता हूँ। एंड सभी के सभी चीज़ें जो है फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। और मुझे अगर चाहिए कि नहीं, मैं फ्री वाले से मुझे अच्छा लगा और मुझे लगता है कि मैं प्रो वाला लेना चाहूँगा, तो यहाँ पे रिलेशनशिप थीम के अंदर आ जाइए, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके जो प्रोस वाले हैं यहाँ पे ऑल के अंदर मैं प्रो वाला मतलब प्रीमियम वाला जो होता है वो दिख रहा है। अगर मुझे इसमें से कुछ पसंद आया है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जैसे ये देखिए गेमिंग बॉक्स बहुत बढ़िया लग रहा है, या फिर जिम का हो गया, फिटनेस का हो गया, ठीक है। अगर इसमें से भी कुछ बाई करना है तो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे चॉइस होता है कि पहले आप फ्री वाला ट्राई कर लो, फ्री वाले से अगर अच्छा लगे तो प्रीमियम वाला ले सकती हो, ठीक है। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको प्रीमियम वाला ही लेना है, फ्री वाला से भी आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन मिल रहा है और ये काफ़ी यूज्ड टू है, बस इसको क्लिक क्लिक करो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जैसे ही कस्टमाइजेशन करना चाहो, नेम, एडिट, टेक्स्ट, फोटो, कुछ भी चेंज करना है वो आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो रिस्पॉन्सिव स्टार्टर टेम्पलेट है वो बढ़िया है। जो लोग वर्डप्रेस के अंदर ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, उनको एक बेसिक वेबसाइट चाहिए, उनके लिए ये बहुत बढ़िया होता है। जब भी आप वर्डप्रेस ले लेंगे, बाई कर लेंगे, सर्वर बाई करती है, फटाफट इसको इंस्टॉल कर लीजिए रिस्पॉन्सिव स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन से, और बस क्लिक करते जाना है। कोई भी कोडिंग वोडिंग यहाँ पर ज़रूरत नहीं होता है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है, ठीक है। एंड बेस्ट पार्ट है कि ये एक फ्री है, फ्री में अवेलेबल है, एंड उसको आप एलिमेंटर के थ्रू आप एडिट करके चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आई थिंक ये बढ़िया एक प्लगइन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी नया वीडियो आए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।